हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ कंडीशन सिचुएशन, या फिर यू कैन से एडजेक्टिव ऑल्सो, एडजेक्टिव भी मैं उसको बोल सकता हूँ। देखिए, आज मैं उस कंडीशन के बारे में बातचीत करता हूँ जो आपकी आंखों के सामने आप उसे देखते हैं, और तब हम बताएंगे कि इसकी कंडीशन ये है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ। सपोज कोई चेयर है, तो दिस चेयर, सपोज अगर मैं बोलूँ कोई चेयर है तो आप क्या बोलेंगे? दिस चेयर इज रेड, ये चेयर रेड है, ये चेयर बहुत मजबूत है, तो क्या बोलेंगे? दिस चेयर इज स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं। यानी कि ये क्वालिटी शायद आपको पता है, तो इसलिए आप बता सकते हैं इस चेयर की ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव कहलाई जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा हम कन्फ्यूज होते हैं, जैसे चेयर टूटी हुई है। अब अगर टूटी हुई है तो ब्रेक माने तोड़ना तो होता है, लेकिन टूटने की सेंस क्या बनेगी? तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर बोलूँ ये चेयर टूटी हुई है, तो आप बोलेंगे दिस चेयर इज, अब ब्रेक माने तोड़ना होता है, ठीक है? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो सिचुएशन आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं और वो एडजेक्टिव अगर आपको पता है वो है, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव नहीं है, वो वर्ब की सेंस जनरेट करता है, तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वही उसकी कंडीशन बन जाती है, और वही उसका एडजेक्टिव भी कह सकते हैं आपकी एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी क्वालिटी बताएगा चेयर की कि चेयर टूटी हुई है। तो क्या बोलेंगे? This chair is broken. ये चेयर तो टूटी हुई है। कोई भी है, चेयर ही नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे सपोज कोई पेपर रखा हुआ है, मैं बोलूँ पास में द पेपर, तो आपके ये पेपर तो फटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? This paper is torn. ये पेपर तो फटा हुआ है, ये तो जला हुआ है। This paper is burnt. आपने सुना होगा burnt train. तो उसकी सिचुएशन क्या है? जबकि टेयर माने फाड़ना होता है, लेकिन फटा हुआ है, तो उसकी सिचुएशन हम थर्ड फॉर्म लाएंगे। बर्नड है, बर्न माने जलाना होता है, लेकिन बर्नड है जली हुई। कितने सारे एग्जांपल हैं आप जिसको यूज कर सकते हैं। सपोज को टॉपिक में किसी बच्चे ने कहा सर ये टॉपिक पढ़ा दो, तो मैं क्या बोलूंगा? ये टॉपिक तो पढ़ा रखा है, यानी कि टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? दिस टॉपिक इज टॉट, यानी कि ये टॉपिक तो आपने पढ़ रखा है, पढ़ाया जा चुका है टॉपिक, तो दिस टॉपिक इज टॉट। जैसे बोल सकते दरवाजा बंद है, दरवाजे की सिचुएशन क्या है कि दरवाजा बंद है, तो बोलेंगे डोर इज क्लोज्ड। दरवाजा खुला है, डोर इज ओपन्ड भी आप बोल सकते हैं, या फिर डोर इज ओपन बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, अलग तो नहीं, क्योंकि ओपन नाउन भी होता है, आपने देखा होगा एडमिशन ओपन, ठीक है? तो यहाँ ओपन भी ठीक है, ओपन भी ठीक है। दरवाजा लॉक है, तो बोलेंगे डोर इज लॉक्ड। ये बार देखो ना, कुंडी लगी हुई है, कुंडी लगने को बोलते हैं डोर इज लैच होता है, कुंडी या कुंडी लगाना, तो लैच लगा देंगे, डोर इज लैच्ड। दरवाजा बंद है तो लॉक्ड आ जाएगा, लॉक लगा हुआ है तो लॉक्ड है, ओपन है तो ओपन आ जाएगा, बंद है तो क्लोज आ जाएगा। कई बार देखते हैं ना, दरवाजा खुला है और ना ही दरवाजा बंद है, यानी कि आधा खुला है और आधा बंद है। उस सिचुएशन में हम बोलते हैं डोर इज अजार, AJAR। तो डोर इज अजार का मतलब होता है ना तो दरवाजा खुला है और ना ही बंद है, आधा खुला है आधा बंद है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इनको, कहीं पर भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सिचुएशन यही नहीं है, हजारों लाखों सिचुएशन आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। सपोज बाइक का टायर है, या टायर तो पंचर है, तो टायर इज़ पंचर्ड। फिलहाल ये मैं नॉन लिविंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपका फ़ोन तो रिचार्ज है, तो क्या बोलेंगे? योर फोन इज रिचार्ज। अगर मैं लिविंग की सेंस बोलूँ, तो लिविंग में भी शायद आपने सुना होगा लाइक ही इज़ इंजर्ड, तो ये क्या है? ये लिविंग के लिए ही इज इंजर्ड, वो इंजर्ड है, ठीक है? आपने सुना होगा आई एम टेंस्ड, ही इज टेंस्ड, तो टेंस कुछ नहीं होता, टेंस्ड होता है। इंजर्ड आपने सुना ना, ही इज सस्पेंडेड, क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म उसकी सिचुएशन बन जाती है। अब सवाल पूछना है तो इस पहले लगा लीजिए, लाइक क्या खाना बना हुआ है? इज फूड कुक्ड, खाना बना हुआ है। सवाल पूछना तो लगा सकते हैं इज फूड कुक्ड, खाना बना हुआ तो क्या आ जाएगा? फूड इज कुक्ड, खाना बना हुआ नहीं है तो नोट लगा दो, फूड इज नॉट कुक्ड। और मैं बताऊँ, ये इतना अच्छा टॉपिक है, ये पैसिव से कनेक्टेड भी आपका टॉपिक है, और ये बहुत ही कम लोग हैं जो इस टॉपिक को बोलते हैं। तो अगर आपकी आंखों के सामने जो सिचुएशन आप देखें कि ये तो ऐसा तो बिल्कुल रेडी, ये चीज़ बिल्कुल रेडी आपके सामने, खाना बन रहा है, बनेगा बनेगा बन रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है, खाना तो बना हुआ है भाई, फूड इज कुक्ड, ये रूम तो पेंट है, तो क्या बोलेंगे? रूम इज पेंटेड, यानी कि जो रूम है ये पेंट है, रूम इज पेंटेड। डेकोरेटेड रूम तो डेकोरेट है, रूम इज डेकोरेटेड। और चाहे तो इसके लिए लगा सकते हैं बाइक तो आपकी सर्विस है भाई, मैंने कहा बाइक सर्विस होगी क्या मेरी,
तो वो इज माई बाइक सर्विस, सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे क्या मेरी बाइक सर्विस है, इज माई बाइक सर्विस्ड, तो क्या आ जाएगा, हाँ आपकी बाइक तो सर्विस है, योर बाइक इज सर्विस, नहीं है तो नहीं आ जाएगा, योर बाइक इज नो सर्विस्ड। खाना बना हुआ है, फूड इज कुक्ड, खाना ज्यादा पका हुआ है तो बोलेंगे ओवर कुक्ड, ये खाना ज्यादा पका हुआ है तो इट्स ओवर कुक्ड, तो इसके लिए हम ऐसा यूज करेंगे। आप चाहें तो किसी के लिए लगा सकते हैं, बाइक वगैरह के भी लगा सकते हैं, जैसे क्या मेरी बाइक पार्क है, इज माई बाइक पार्क्ड, आपकी बाइक तो पार्क है, योर बाइक इज पार्क्ड। तो हमेशा जिस, अगर एडजेक्टिव का आपको पता है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वर्ब दी हो तो उसके लिए हम हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसकी सिचुएशन को बताने के लिए। जैसे आपने सुना होगा इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, इट इज रिटन, इट्स नॉट रिटन, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, इट इज नॉट रिटन, इट इज मैंशनड, ये मैंशनड है, इट इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको बता सकता हूँ, और भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे योर शर्ट इज टॉर्न, आपकी शर्ट फटी हुई है, सिली हुई है, तो स्टिच्ड, योर शर्ट इज स्टिच्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है, मेरे शूज तो पॉलिश हैं, माई शूज आर पॉलिश्ड, देखिए जूते शूज बोलेगा और हमेशा आर बोलेंगे, मेरी जींस तो प्रेस है, माय जींस इज नहीं आर आएगा, माय जींस, मेरी जींस तो प्रेस है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं आर एंड वगैरह के लिए, क्योंकि जींस हमेशा याद रखना भली एक है लेकिन ये प्लूरल डीट होती है, इसके लिए आप आर बोलेंगे। कितने चाहे जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। अब थोड़ा लिविंग के बारे में देखिए, तो चिपका हुआ है कोई चीज़, अगर चिपकी हुई तो बोल सकते हैं चिपका हुआ है, तो स्टिक माने चिपकाना होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या आती है इसकी, स्टक, तो बोल सकते हैं इट इज स्टक, ये चिपका हुआ है, इट इज स्टक। आई एम स्टक आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम स्टक इन जाम, मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, चिपका हुआ हूँ, ऐसा हम बोलेंगे। ये उंगली सपोज है, ये तो ऑपरेशन है, ये टूटी हुई है, तो आपकी उंगली टूटी हुई है तो बोलेंगे योर फिंगर इज ब्रोकन, टूटी हुई है, अच्छा ऑपरेशन हो रखा है, तो इट इज ऑपरेटेड, यानी कि इसका ऑपरेशन हो रखा है। आई एम इंजेक्टेड, मुझे इंजेक्शन लगा हुआ है, अभी ये फोटोस्टेट है, या तो बोले दिस इज फोटोस्टेट, इसकी फोटोस्टेट तो हो रखी है, दिस इज फोटोस्टेटेड, ये पेपर तो फोटोस्टेट है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, टॉपिक तो पढ़ा जा चुका है, ये न्यूज़ तो, ये मूवी तो देखी हुई है, तो क्या बोलेंगे, यानी कि मूवी देखी जा चुकी है, ये सेंस है। सो दिस मूवी इज वॉच्ड, दिस मूवी इज वॉच्ड, तो कोई भी सिचुएशन जो मैं, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म का ध्यान रखेंगे, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। और अगर चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं, कान जो यूजुअली गर्ल्स होती हैं वो कान बिंदवाना, कान छिंदवाना, क्या बोलते हैं इसको, मेरे कान बिंदे हुए हैं, छिंदे हुए हैं, जो भी आपको बोलना है, योर ईयर्स आर पियर्स्ड, PIERCED, पियर्स का मतलब कान बिंदवाना, तो योर ईयर्स आर पियर्स्ड, आपके कान तो बिंदे हुए हैं, छिंदे हुए हैं, ठीक है। माई हैंड इज टैटूड, मेरे हाथ पे टैटू निकला हुआ, तो बोलेंगे माई हैंड इज टैटूड, मेरे हाथ पे टैटू निकला हुआ है। कुछ लोग नाम भी लिखाते हैं यहाँ पे, तो बोल सकते हैं योर नेम इज रिटन हियर, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, योर नेम इज रिटन, राइट माने लिखा था, योर नेम इज रिटन हियर, आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे बाल तो कटे हुए हैं, तो आप उसके लिए बोलेंगे माई हेयर इज ट्रिम्ड, मेरे बाल तो कटे हुए हैं। सब्जी कटी हुई है, वेजिटेबल इज चॉप्ड, इज चॉप्ड, ये तो आपने सुना होगा, फ्राइड पनीर, फ्राइड चिकन, ये फ्राइड बोलेंगे, फ्राइड चिकन, रोस्टेड आपने सुना होगा, रोस्टेड पनीर, वो यही सिचुएशन है, रोस्टेड पनीर, रोस्टेड चिकन, वो सिचुएशन यही है। और लिविंग के लिए चाहे, चाहे वो नॉन लिविंग के लिए, ही इज इंजर्ड, ही इज टेंस्ड, यू आर सस्पेंडेड एंड ही इज रेस्टिकेटेड, आपने सुना होगा, ही इज रेस्टिकेटेड, यू आर इन्वाइटेड, आप इन्वाइट हैं, यू आर इन्वाइटेड, आप इन्वाइटेड हैं, ये बंधा हुआ है, इट इज टाइड, टाइड मैंने बंधा हुआ, इट इज टंग, ये टंगा हुआ है, कोई भी, इट का मतलब उस चीज से आ जाता है, इट इज हंग,
एच यू एन जी, इट इज हंग, ये टंगा हुआ है, इट इज बोट, या दिस फोन इज बोट, ये तो खरीदा हुआ है, ये तो धुला हुआ है, दिस बाइक इज वॉश्ड, दिस बाइक इज, क्या मेरे कपड़े धुले हुए हैं, आर माई क्लोथ्स वॉश्ड, क्या मेरे कपड़े धुले हुए हैं या आपके कपड़े धुले हुए हैं, योर क्लोथ्स आर वॉश्ड, नहीं है तो नोट लगा दीजिए, इट इज हर्ड, ये सुना हुआ है, इट इज हर्ड, हियर माने सुनना होता है, इट इज हर्ड, टूटा हुआ है, ये क्रैक है तो इट इज क्रैक्ड, कहीं क्रैक दरार आना, इट इज क्रैक्ड, टूटा हुआ है, ब्रोकन, लेकिन टूट के बिखर जाना, सपोज मेरे हाथ में ग्लास है और वो ग्लास टूट जाता है तो उसके लिए क्या बोलूंगा, अब वहां दो तीन पीस में होना तो ब्रोकन होगा, क्रैक्ड होता है दरार पड़ना, लेकिन वो टूटा हुआ तो वो तो बहुत सारे पीस में हो चुका है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं शेटर्ड, SHATTERED, शेटर्ड आ जाएगा, तो बोल सकते हैं दिस ग्लास, दिस ग्लास इज शेटर्ड, ये ग्लास टूटा हुआ है, तो लोग बोलते हैं माई लाइफ इज शेटर्ड, मेरी लाइफ जो है वो चकनाचूर हो गई है, करूँ, अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं वो भी आपको और बता सकूँ, दिस फ्लोर इज मॉप्ड, पोछा लगा हुआ है, दिस फ्लोर इज मॉप्ड, पोछा लगा हुआ है यहाँ, तो भाई दिस फ्लोर इज मॉप्ड, चाय बनी हुई है, टी इज प्रिपेयर्ड, टी इज प्रिपेयर, टी इज नॉट है तो नोट लगा दीजिए, क्वेश्चन है तो कुछ नहीं था, वाई टी इज नॉट प्रिपेयर्ड, वाई तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वाई टी इज नॉट प्रिपेयर्ड, वाई दिस फ्लोर इज नॉट मॉप्ड, वाई यू आर नॉट इन्वाइटेड, या वाई आर यू नॉट इन्वाइटेड भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्पीकिंग में चल जाता है, देखिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है, वाई इज, उसमें तो यह आना चाहिए, वाई इज फूड नॉट कुक्ड, खाना क्यों नहीं बना हुआ है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्पीकिंग में आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, वाई फूड इज नॉट कुक्ड, नो प्रॉब्लम, वाई फूड इज नॉट कुक्ड, इन्हें खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक, ठीक है, कोई क्वेश्चन कह रही है, बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।